कृषि कानूनों के खिलाफ कई राज्यों के किसानों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में खास असर। कर्नाटक में प्रदर्शनकारी हिरासत में। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली और आसपास बढ़ाए गए सुरक्षा इंतजाम। लाल किला पर बड़े पैमाने पर जवानों की तैनाती। डीएमआरसी ने लाल किला, जामा मस्जिद समेत कई मेट्रो स्टेशन किए बंद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने भारत के किसान आंदोलन को लेकर पहली बार दिया बयान। कहा, मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए निकाला जाए न्याय संगत समाधान। अरुणा रॉय, जूलियो रिवोरियो समेत 75 पूर्व नौकरशाहों ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए जारी किया खुला पत्र। लिखा, सरकार किसानों का मजाक बनाने और छवि खराब करने में जुटी, नहीं चाहती समाधान। पूरे जम्मू कश्मीर में 18 महीने बंद 4G इंटरनेट सेवाएं बहाल। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लग गई थी रोक। म्यांमार में तख्तापलट के विरोध में शुरू हुए नागरिक प्रदर्शन। शिक्षकों और छात्रों की बड़ी तादाद सड़क पर। सैन्य शासन ने ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लगाया प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने संसद में बताए बलात्कार के आंकड़े। देश में 35,000 से ज्यादा रेप, गैंगरेप के मामले सालों से लंबित। प्रस्तावित 1,031 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से सिर्फ 331 ही कार्यरत। और पश्चिम बंगाल में आज से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा नोदिया में बोले, ममता बनर्जी सरकार ने किसान सम्मान योजना ना लागू करके किया किसानों का नुकसान।